Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you Adverb. Student, जैसे आपको पता ही है कि मैं आपकी Adverb की क्लास ले रहा हूँ तो और ये आपकी Adverb की थर्ड क्लास है. इसमें हम बात करेंगे आपके कंपेरेटिव ऑफ Adverb. कंपेरेटिव मीन्स होता है स्टूडेंट तुलना करना ऑफ Adverb, यानी क्रिया विशेषण की अगर आपको मान लो तुलना करनी हो तो उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनका कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ उसी के बारे में यहाँ इस क्लास में डिस्कशन किया है. जैसे आपने देखा था एडजेक्टिव की हमने क्या बनाई थी, तीन डिग्री बनाई थी यानी डिग्री ऑफ कंपेरिजन. उसमें आपकी इसी तरीके से आपकी जैसे उसमें होती थी आपकी एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे ही आपकी सेम आपके एडवर्ब की भी आपकी तीन डिग्रियाँ होती हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव आपको पता है केवल एक ही व्यक्ति या व्यक्ति विशिष्ट के बारे में, उसके टैलेंट या उसके गुण के बारे में बताया जाएगा. कंपेरेटिव में दो के बीच तुलना की जाती है और सुपरलेटिव में स्टूडेंट सबसे जो श्रेष्ठ होता है उसके बारे में बात की जाती है. तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके एडवर्ब्स हैं जिनका पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव यहाँ पर मैंने बताया है. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. स्टूडेंट शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है. लेट माने आप समय के लिए यूज़ करते हो जो देर से होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. सून, सूनर, सूनेस्ट. नियर, नियर, नियरेस्ट. बात करें स्टूडेंट जब हम आपके कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसके पीछे हम ER लगाते हैं और जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके पीछे आप EST का यूज़ करते हैं. इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है. यहाँ मैंने आपकी कुछ एग्जांपल लिए हैं जिनके थ्रू हम आसानी समझेंगे मैंने यहाँ एडवर्ब का किस तरीके से यूज़ किया गया. स्टूडेंट यहाँ मैंने ही रन फास्ट, तो ये जो फास्ट यूज़ किया स्टूडेंट मैंने यही किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपकी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रन के बारे में बता रहा है. ही रन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है. ही रन फास्टर, वह तेज़ धावक है, ठीक है. यहाँ क्या बोला उसने कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है. यहाँ सी एग्जाम्पल में बताया कि ही रन द फास्टेस्ट ऑफ द बॉयज. यहाँ उसने सुपरलेटिव बताइए कि ये जो लड़का है ना ये क्या है, जितने भी लड़के हैं यानी ऑल ऑफ बॉयज उनमें सबसे तेज भागता है इसमें. तो ये थे आपके कुछ पॉजिटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. ये स्टूडेंट आपका BC में कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके लास्ट में आपका LY होता है, ठीक है, और जिनके हम कंपेरेटिव डिग्री अगर बनानी हो तो उनसे पहले स्टूडेंट हम आपका मोर और लेस लगाते हैं, ठीक है. और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम आपके मोस्ट या आपका लीस्ट जोड़ते हैं स्टूडेंट्स. जैसे इससे पहले भी आपने क्या देखा था, ER जोड़ा था और हमने EST जोड़ा था. लेकिन अगर किसी एडवर्ब के बारे में लास्ट में यानी अगर आपका LY यूज होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट हम आपके कंपेरेटिव के लिए मोर या लेस का यूज़ करते हैं और आपका सुपरलेटिव के लिए मोस्ट या लीस्ट लेते हैं, ठीक है. यहाँ आपके कुछ पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव हैं. जैसे आपका फर्स्ट दिया है यहाँ क्लेवली. क्लेवली मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, चालाक. तो यहाँ चालाकी से, ठीक है. तो मैंने भी बताया कि लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट, आपका LY आ रहा है. तो LY आ रहा है तो आप यहाँ मोर का यूज़ करोगे, मोर का या लेस का, ठीक है. अगर आप सुपरलेटिव बना रहे हो तो वहाँ पर हमको मोर, मोस्ट का या आपके लिस्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है. स्लोली मीन्स होता है आसानी, स्लोली मीन्स होता है धीमे धीमे, ठीक है. मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली. वाइजली मीन्स होता है स्टूडेंट बुद्धिमानी से, मोर वाइजली और आपका मोस्ट वाइजली. केयर से केयरफुली बनाया स्टूडेंट आप, केयरफुली मीन्स क्या होता है, सावधानी से. तो यहाँ आपने लेस का यूज़ किया है, ठीक है. लेस भी से भी राइट होता है और आपके मोर से भी राइट होता है स्टूडेंट, ठीक है. ऐसे ही हमने यहाँ लास्ट के पर सॉरी यहाँ पर हमने मोस्ट के पर आपका लीस्ट यूज़ किया है. तो यहाँ मोस्ट या हम कहें लीस्ट. केयरफुली, स्विफ्टली मीन्स होता है स्टूडेंट आपका तेज़ी से, मोर स्विफ्टली आपका मोस्ट स्विफ्टली. स्किलफुली मीन्स होता है स्टूडेंट निपुण होना या कोई भी टैलेंट जानते हो उसको स्किल कहते हैं हम, मोर स्किलफुली और आपका मोस्ट स्किलफुली. लेकिन यहाँ स्टूडेंट आपकी एक एडवर्ब है वो है आपकी अर्ली. अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी से. तो ये उपवाद है स्टूडेंट, इनके आगे आप मोर का और आप मोस्ट का यूज़ करके ना तो आप इसका सुपरलेटिव या कंपेरेटिव हम इसका यू नहीं बना सकते हैं. क्योंकि जो अर्ली होता है स्टूडेंट उसका जब हम कंपेरेटिव बनाते हैं तो हम IER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम IEST जोड़ते हैं, यानी अर्ली, अर्लियर और आपका अर्लीएस्ट.
यहाँ कुछ वैसे आपके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ही रन स्विफ्टली, बहुत तेज़। यहाँ स्विफ्टली किसको डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट, ये आपके वर्ब को यूज कर डिफाइन कर रहा है, आपके यहाँ पे रन के बारे में बता रहा है कि वह तेज़ दौड़ता है। ही रन मोर स्विफ्टली देन राम, तो यहाँ इसने कंपेरेटिव किया है कि यहाँ एक तो आपकी वर्ब, ये आपकी एडवर्ब यूज़ किए गए स्टूडेंट, एडवर्ब से पहले हमें यहाँ मोर का यूज़ कर, तो आप समझ गए होंगे ये तो कंपेरेटिव आपके बारे में बता रहा है, कंपेरेटिव डिग्री है यानी एडवर्ब की, ठीक है। और देन यू यूज़ किया था स्टूडेंट, ये आपकी कंपेरेटिव के लिए यूज़ किया जाए, तो यहाँ तुलना की गई, इसकी तुलना राम से की गई कि वह बहुत तेज दौड़ता है, किससे, राम से ज़्यादा। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल ने बताया कि ही रन मोस्ट स्विफ्टली अमोंग ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ इसने बताया कि जितने भी जो स्टूडेंट दिए गए हैं यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे क्या स्टूडेंट वो सबसे तेज धावक है। तो यहाँ हमने मोस्ट लगाया और मोस्ट के साथ हमने आपकी एडवर्ब यानी एल वाई वाली यूज़ किया, तो उसके आगे हमने मोस्ट लगाया, तो स्टूडेंट आपका सुपरलेटिव बन गया। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट कि कुछ आपके एडवर्ब होते हैं जिनको हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन के नेम लागू नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट और जो ए और बी जो पॉइंट बताया, तो ई पॉइंट में बताया था कि हम आपके पॉजिटिव से अगर हम कंपेरेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर ई आर जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव के लिए हम आपका ई एस टी जोड़ते हैं, या फिर अगर एल वाई है तो एल वाई के बाद में अगर आपको कंपेरेटिव बनाना है तो हम वहाँ पर मोर या लेस का यूज़ करते हैं, और अगर उसको आपको सुपरलेटिव बनाना होता है स्टूडेंट तो वहाँ पर आपके हम मोस्ट या आपके लिस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ये कुछ आपके एडवर्ब हैं, इनमें ना तो हम ई आर जोड़ सकते हैं ना ही आपका ई एस टी जोड़ेंगे लास्ट में, तो ये कुछ हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं बस। तो ये फार होता है स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज किया जाता है, फार मीन्स दूर के लिए होता है, तो फार का आपने यहाँ आप मोर फार या आप लेस फार या ई आर नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह इसके कोई भी नेम नहीं लगेगा, ई आर ई एस टी एल एल वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये फार का फारदर और आपका फारदेस्ट होता है स्टूडेंट, लेट लेटर लास्ट या आपका लिस्ट हो। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ, अब हम लीस्ट लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते ना, या हम मोस्ट लास्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी आपका सुपरलेटिव है, और इसके आ गया आप मोस्ट या मोड लगा कर इनका आप कंपरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हो। लिटिल मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, लिटिल लेस लीस्ट मच क्वान्टिटी के लिए होता है स्टूडेंट आपका, मच मोर मोस्ट वेड इल वर्स वर्स्ट होता है, वेल अच्छे के लिए वेल बेटर बेस्ट। फोर्थ ये आपके नेक्स्ट पोजिशन के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, डिस्टेंस के लिए फोर्थ फर्दर और आपका फर्देस्ट नियर नियर नियरेस्ट। अब यहाँ कुछ बताया गया स्टूडेंट आपको, ये आपको मेन पॉइंट है, कुछ आपको ध्यान रखना हो कि एडवर्ब ऑफ आपका मैनर है या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टूडेंट, अलावा किसी भी आप एडवर्ब का आप कंपरेटिव या आप सुपरलेटिव नहीं बना सकते। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि आप इसका सुपरलेटिव या कंपरेटिव नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में या एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर आपकी एडवर्ब नहीं दी गई हो, तो यहाँ ये आपके कुछ एडवर्ब दिए गए हैं यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं स्टूडेंट आपके, वैन देन वेयर देयर वंस, इनका भी हम स्टूडेंट आपका कंपरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंट्रोगेटिव होते हैं, क्वेश्चन करने आंसर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास थी स्टूडेंट यहीं तक, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसके बाद मैं आपके एडवर्ब की जहाँ तक दो क्लास और लूँगा जिनमें मैं आपके बताऊँगा कि जो आपके मोस्ट यूज़ किए जाते हैं आपके कुछ एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट, उनका मैं यूज़ करना बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.